वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ सरमद रंगा। आज हम बात करते हैं लोगार्थमिक ग्राफ की, रिलेशनशिप बिटवीन द लोगार्थमिक ग्राफ एंड द सिंपल ग्राफ। इसको स्टडी करने के लिए हमें ओरिजिन के मतलब सबसे पहले आइडिया होना चाहिए। ओरिजिन एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अक्रॉस, पैरामीटर के अक्रॉस बना के देता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंपली टाइम ज़ाया किए बगैर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ को एडजस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर वो वाला ग्राफ जो कि सेम एक्सटेंड के साथ इंक्रीज हो रहा हो उसको हम सिंपल ग्राफ बोलेंगे, और ऐसा ग्राफ जो कि 10^10 के साथ चेंज हो रहा हो उसको हम लोगार्थमिक ग्राफ बोलेंगे। लेट्स सपोज कि मैं इसको एक्स का नाम दे देता हूँ एक्स एक्सिस का, इसको वाई एक्सिस का नाम दे देता हूँ। सो इसकी वैल्यू को मैं बड़ा कर देता हूँ, देन यहाँ पे आप जस्ट लाइक एज एन एक्सेल वैल्यू इंसर्ट करें। और यहाँ पे भी आप अगर यहाँ पे सपोज आप वैल्यू इंसर्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 10 देन 100 10^5 देन 10^6 10^7 देन 10^8 देन 10^9 देन 10। सो अब अगर आपको यहाँ से डिफ़िकल्टी कंसीडर हो रही तो आप यहाँ पे सिंपली फॉर्मेट में जाके ये फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। सेल का फॉर्मेट चेंज कीजिए यहाँ से, देन मैं इसका एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हुए देखेंगे तो ये एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि इनिशियल इसकी वैल्यू का कुछ अता पता ही नहीं चल रहा। वाई एक्सिस के अलावा अगर देखा जाए तो लास्ट वाले डिजिट में ये इंक्रीज़ हो रहा है अब्रप्टली। सो ये हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है अगर इसको स्टडी किया जाए तो। अब मैं बात करता हूँ इस ग्राफ की बजाय वेरी सिंपल, अगर मैं एक नया कॉलम यहाँ पे जनरेट कर दूँ और उसमें एक फार्मूला रीप्लेस कर दूँ यहाँ पे, मैं इसको कैपिटल वाई का नाम दे देता हूँ। सपोज कि ये अनदर है, ये कॉलम बी है, ये सी है, मैं सिर्फ कॉलम बी को एडजस्ट कर देता हूँ, कॉलम बी का लॉग ले लेता हूँ। सिंपली आप यहाँ पे कॉलम लिखिए, कॉलम बी इंटर कीजिए, तो ये आपके पास ये लॉगार्थमिक वैल्यू कन्वर्ट हो जाएंगी सिंपल वैल्यूज़ में। आई मीन कि अगर आपके पास 10 है, 10 का लॉगार्थमिक वैल्यू 1 होती है, अगर 100 करेंगे 100 की लॉगार्थमिक वैल्यू 2, 1000 की 3, 10^4 की 4। सिंपली क्या है, जो इसका पावर फैक्टर होता है वो लॉग से पहले आ जाता है और लॉग 10 1 के बराबर ही होता है। इसकी पावर 5 है, 5 लॉग से पहले आ जाएगा, उसकी वैल्यू 5। अब अगर सी और ए के दरमियान अगर हम देखें तो ये हमारे लिए बहुत वंडरफुल रिजल्ट होगा, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये सेम एक्सटेंड के साथ इंक्रीज हो रही है, ये वाली वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग भी 1 है, वाई एक्सिस के अलोंग भी 1 है, ये वाली वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग भी 2 है, वाई के अलोंग भी है। अगर यहाँ से मैं एक टूल सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ, ये 4 के अक्रॉस है वैल्यू 4 4, एक्चुअली ये वाई के अलोंग जो 4 है 4 नहीं है, वो 4 की पावर वो 10 की पावर को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि 10 की पावर 10 की पावर कितनी है। सो अगर हमारे पास ऐसा वो जो फर्स्ट आपने देखा था, आपके पास जो टेढ़ा सा ग्राफ था बिल्कुल ऐसे जस्ट लाइक एज एन एक्सपोनेंशियल, अगर आपने उसको स्ट्रेट लाइन करना हो या सिंपल करना हो तो आप लोगार्थमिक, या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर वो ग्राफ जो कि एक स्पेसिफिक एक्सटेंड के साथ इंक्रीज कर रहा हो या लास्ट से ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज कर रही हो तो उसको कन्वर्ट करना हो सेम स्ट्रेट लाइन में के अंदर, तो हम लोगार्थमिक ग्राफ यूज़ करते हैं।
अब इसकी रियल एप्लीकेशन हम देखते हैं यहाँ पे, ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ये टोटल केसेस हैं कोरोना वायरसेस के। अगर यहाँ पे आप अगर लीनियर देखें तो लास्ट से ये ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम लोग आर्थमिक देखते हैं तो फिर यहाँ से अगर आप देखें लास्ट से, क्योंकि ये बेंड हुआ था, यहाँ से आप देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है। डेथ रेट अगर आप देखने जा रहे हैं तो ये भी एक कर्व की शेप में है। अगर लास्ट से अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन देखना जा रहे हैं, अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो ये वैली वैल्यू वाई एक्सिस के अलॉन्ग ज़्यादा एक्सीड कर रही है, आई मीन के 10 रेज में इंक्रीज़ कर रही है, 10 की पावर में इंक्रीज़ कर रही है। थैंक यू फॉर दिस ट्यूटोरियल। अगर किसी किस्म की फीडबैक हो तो आप सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।